वेलकम टू दिस लेक्चर। बेसिक ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे हम सीखेंगे एंगल के बारे में। किसके बारे में? एंगल के बारे में। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, हिंदी में इसको बोलते हैं एंगल को कोण। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी, बेसिक ओरिजिन क्या है इसका, एंगल का बेसिक ओरिजिन क्या है इसका। आपने ये देखा है वॉच, ऐसा फिगर होता है इसका, यहीं से हुआ बेसिक ओरिजिन, ऐसा समझ। ये आवर हैंड है, मिनट हैंड है, और एक सेकेंड हैंड भी बना देते हैं। ये When two rays having common point, two rays having common point where the originating the ray, then the figure formed is called the angle. Here two rays having the common end point like that, then this is two rays are forming a angle, and angle is denoted by theta. एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? थीटा से। क्लियर? इसका यूनिट क्या है, मेजरमेंट इसको कैसे करते हैं, लिखते कैसे इसको? डिग्री से। इससे डिग्री से ऐसा ऊपर में, जैसे 30 डिग्री लिखना है तो 30 और ऊपर में, ऐसा पॉइंट नहीं होता, क्या होता है? वो होता है छोटा सा, ठीक है। यूनिट क्या होता है इसका? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्या होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू? मिनट इज डोनेटेड लाइक दैट, 60 मिनट। और यू नो 60 मिनट इज इक्वल टू, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड कैसे डिनोट करते हैं? Clear? Means the smallest unit of the angle is second. अगर कोई आपसे पूछे कि 1 सेकेंड में कितना डिग्री होता है, हाउ मेनी डिग्री इन 1 सेकेंड, देन हाउ यू कैन कैलकुलेट हियर? 1 डिग्री इज इक्वल टू यू नो 60 मिनट, देन 60 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा हो जाएगा, then 1 degree is equals to 360 second, then 1 second is equals to 1 divided by 360 degree। clear? जब 360 को इधर भेज दीजिए, divide में आ जाएगा, तो 1 second is equals to 1 by 360 degree। any problem? अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, ये आपके पास है 1 degree इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 by 60 degree, मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1 by 60 degree होगा। क्लियर है? इस तरीके से एंगल, एंगल को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो हम लेक्चर सीखेंगे पूरा पूरी एंगल पे ही बेस्ड है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई वो चीज हमने देख ली यहाँ पे। अब इसका स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री कैसे मेजर करते हैं वो भी आपने देख लिया है ना। डिफाइन करना हो इसको तो द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, इज कॉल्ड एन एंगल। द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, the same initial point is called an angle. Clear है? आगे बढ़ते हैं। अब एंगल, टाइप्स ऑफ द एंगल को हम देखते हैं, कितने टाइप्स के एंगल। सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे पूरा ये यूज में आएगा। थोड़ा सा अभी मिस हुआ तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया है, वीक हो जाएगा, और फिर आगे मैथ से क्या लगने लगेगा, डर लगने लगेगा। आई बात सुन,
आपको डरना घबराना नहीं है। मैथ से क्या, मैथ में बिल्कुल कमांड हासिल करनी है। अब टाइप्स हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण, न्यून कोण। 0 डिग्री से ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। क्लियर है? इसको मेजर कैसे करेंगे? एक प्रॉब्लम ये भी होता है, मेजर करना नहीं आता है। प्रोटेक्टर आपने देखा है, हिंदी में उसको चांदा बोलते, चांद की तरह दिखाई देता है ऐसा। इधर से 0 से इधर स्टार्ट होता है, 0 से भी स्टार्ट होता है, 180 से भी स्टार्ट होता है। 0 से इधर से भी स्टार्ट होता है, 180 से भी स्टार्ट होता है। क्लियर? मतलब अब जैसे हमारा ये है ऐसा, इसको मेजर करना है, इसको मेजर। तो यहाँ जो सेंटर पॉइंट है ना, इस प्रोटेक्टर को लाना है आपको, इस प्रोटेक्टर को ध्यान से समझिए, इस प्रोटेक्टर को लाना है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको लगाना है। ठीक है, तो इधर वाली लाइन इसको कोइंसाइड कर लेगी। जब इसको कोइंसाइड कर लेगी तो यहाँ से आपको काउंटिंग करना है, 0 से कहाँ पे ये लाइन हो रही है उतना ही एंगल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया मेजर करने का? और भी प्रैक्टिकली आपको बता दिया जाएगा कैसे मेजर करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बता दिया जाएगा आपको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप्स क्या हुआ एंगल का? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और क्या है? नेक्स्ट राइट एंगल, राइट एंगल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है ना 90 डिग्री होता है। बनता कैसे है? स्ट्रेट। एग्जाम्पल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास का देख सकते हैं, जैसे ये वाल वो वाल दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ये कॉर्नर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना। तो कहीं पे भी ये बोर्ड का एक ये ब्रेथ और ये लेंथ, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, ये है कि नहीं, तो उसको आप राइट एंगल बोल सकते हैं। थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इस ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हिंदी में बोलते हैं इसको रेखी कोण, मतलब एक ही रेखा में बनता है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी होती है? 180 डिग्री। बनेगा कैसे? ऐसे स्ट्रेट 180 डिग्री। क्लियर है? ये जो आप सीख रहे हैं ना, यही है मैथ्स में एंगल में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान से समझना है इसको, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कहीं पे। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विहत कोण, विहत
कोण, वृहत कोण, ग्रेटर देन 180, लेस देन 360, ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 360 डिग्री, ऐसा एंगल हो। सपोज ये है 150 डिग्री, ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन 180, लेस देन 360। उसके बाद है कंप्लीट एंगल, क्या कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पूरा कोण, क्या बोलते हैं पूरा कोण। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती 360 डिग्री, 300 ऐसा समझिए, ये वे है, एक वे यहीं पे ऐसा, इसको एक वे इसी पे है, इसको ऐसे घुमाते 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 फिर से यहीं पे ले आ दिए, तो ये बन गया ये पूरा 360 डिग्री। ठीक, क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, है ना, जैसे क्लॉक पे यहाँ पे आवर वाली है, ये आवर वाली घूमते 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 फिर से वहीं पे आ गई, तो कितना एंगल मेजर की वो कवर की 360 डिग्री। ये अब एक और है जीरो एंगल बोलते हैं इसको, जीरो एंगल हिंदी में बोले तो शून्य कोण, क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है जीरो डिग्री, क्या होता है जीरो डिग्री, वहीं पे है वो, कुछ घूमा ही नहीं, कुछ घूमा ही नहीं तो वहीं पे है तो जीरो डिग्री, जैसे ऐसे है और यहीं पे है ये, तो अगर ऐसे बना हुआ है तो 360, अगर कुछ नहीं बना हुआ है मतलब जीरो डिग्री है, क्या है क्लियर। ये पूरा पूरा हमने एंगल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया, एंगल के बारे में अब बेसिक जो जानकारी है वो आपके पास आ गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आपसे नहीं छूटेंगे, सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बन जाएंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं ट्रायंगल के बारे में सीखते हैं, हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्रिभुज। अ फिगर विच हैव थ्री साइड्स थ्री एंगल्स एंड फिगर शुड बी क्लोज्ड, फिगर शुड बी क्लोज्ड इज कॉल्ड द ट्रायंगल, इज कॉल्ड द ट्रायंगल। सिंपल भाषा में एक ऐसी आकृति जो बंद हो, उसके तीन भुजा हो और तीन कोण हो, उसको क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। दिखाई कैसी देती है, इस टाइप। अब कितने टाइप्स हो सकते हैं, उसके सारे टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन तो आप समझ गए, अपने लैंग्वेज में आप लिख भी पाइएगा, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो इसका जो है टोटल सिक्स टाइप्स है, लेकिन बेसिस पे तीन जो है साइड के बेसिस पे है और तीन एंगल के बेसिस पे है। लेकिन उसको सीखने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं, जो फिक्स प्रॉपर्टीज है। पहली क्या है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड मतलब ट्रायंगल के दो साइड का सम करने से वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होगी, तीसरी साइड से बड़ी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू
इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के त्रिभुज के तीनों कोनों को जब हम जोड़ेंगे, तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा सम? 180 डिग्री। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो ट्रायंगल नहीं है, क्लियर। और एक है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एंगल इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ एंगल आ रहा है, इसलिए आपको एंगल में कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, अगर इस टाइप का ट्रायंगल आपको मिल गया तो इसमें क्या है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करने से अदर जो टू साइड्स हैं, अदर टू साइड का, अदर टू साइड मतलब जैसे लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे एसी हो गया, एसी का स्क्वायर, अदर टू साइड हो गया एबी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर, इन दोनों के सम के इक्वल हो गया। बहुत लोगों को नहीं पता रहता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है जैसे 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 49। जोर से बोलो 49। तो अदर टू साइड जो है तो वो दो जो भी है मेजरमेंट उन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो 49 के इक्वल होगा। आई बात समझ में? जैसे अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये चीज करके अगर हम देख लिए इसमें फिट होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। करके देख लीजिए फटाफट। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़िए तो 16 और 9 को वो है 25। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, करके देख लीजिए। 5 और 3, 4 और 3, 7, इससे बड़ी है कि नहीं है? 5 और 4, 9, इससे बड़ी है कि नहीं है? 5 और 3, 8, इससे बड़ी है कि नहीं? तो ये इसको फॉलो कर रही है, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स देखते हैं इसका। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आपने बताया 6 टाइप्स। 6 टाइप्स में 3 जो है साइड के बेसिस पे है और 3 जो है तो एंगल्स के बेसिस पे है। तो पहले हम देखते हैं साइड के बेसिस पे, फिर हम देखते हैं एंगल के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे देख रहे थे, पहला हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दूसरा आइसोसेलस ट्रायंगल, समद्विबाह मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी वाली अलग होगी, ठीक। और तीसरा है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। इसमें क्या है, तीनों साइड अलग अलग है ना, स्केलन ट्रायंगल। अब एंगल के बेसिस पे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या है, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों एंगल न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल तो अभी आप सीख के आ गए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज। एक एंगल जो है, एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, एटलीस्ट क्या, वन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज। मतलब एक एंगल ट्रायंगल में
90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, तो वैसा एंगल, वैसा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ये एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज है, इसमें ऐसा रहेगा, सब एक्यूट रहेगा और राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं सम कोण ट्रायंगल। क्या बोलते सम कोण ट्रायंगल, इसमें एक एंगल वन एंगल वन एंगल शुड बी Should be right angle. Right angle मतलब 90 degree. बनेगा कैसे? ऐसा ये है, यहाँ पे ये angle कितना है 90 degree. ये यही जो है तो triangle है। Total 6 types के, 3 side के basis पे, 3 angle के basis पे। Right angle की कहानी पहले बता दी, जो आपको ध्यान होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। आई वाज सुन, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? ये ट्रायंगल की पूरी तरीके से जो बेसिक चीजें हैं ये आपको सिखा दी गई है। अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो बेसिक ज्योमेट्रीज के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं अभी, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, सर्कल्स के बारे में, है ना, पैरेलल लाइंस तो हो चुकी है ना, उसके बारे में भी कुछ अगर है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक? नहीं, पैरेलल लाइन को भी कर सकते हैं हम अभी, जैसे पैरेलल लाइन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसमें एंगल्स था इसलिए नहीं बताया गया था आपको, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है? जैसे पैरेलल लाइंस आप जानते हैं किसको बोलते हैं? दो ऐसी लाइंस जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, है ना। जो लोग रिवाइज कर रहे हैं उनको पता होगा, जो टाइम पास करने आ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अब इसको क्या है कि अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है? और ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा है ये समांतर रेखा है, हिंदी में बेमल है जो भी है। अब यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया, एंगल वन और एंगल टू, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोला जाता है, करेस्पॉन्डिंग डिंग एंगल, हिंदी से बोलते संगत कोण। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, करेस्पॉन्डिंग। क्लियर है? ये वाला एंगल, एंगल थ्री, ये एंगल फोर, ये भी आपस में इक्वल होगा, क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल थ्री और एंगल फोर भी आपस में इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल थ्री और एंगल टू, ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतःभिमुख कोण हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अंतःभिमुख कोण। क्लियर है? उसी तरीके से अगर ये एंगल फाइव है, ये एंगल सिक्स है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, एंगल फाइव और एंगल सिक्स भी।
ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, क्लियर है। मान लीजिए ये एंगल 8 है, ये एंगल 7 है, तो एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। हाँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 7 एंगल 8 उसका पढ़ के आया है पूरा, इसलिए उसको आ रहा है एंगल 7 एंड एंगल 8 इक्वल होगा। उसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल होगा, क्यों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य विमुख कोण, बाह्य विमुख कोण। ये रिलेशंस आपको आना चाहिए, ये रिलेशन आपको आना चाहिए, ताकि सारे क्वेश्चंस आप इसको आसानी से हल कर पाए। एंगल 4 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 8 इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 7 एंगल 6 इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते क्या है इसको? शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, क्लियर है। और ये सारे रिलेशंस आपको बताएंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्यों? लीनियर पेयर लाइन पे बन रहा है एंगल। देखो अभी आपको स्ट्रेट एंगल पढ़ाया गया है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर रैखिक युग्म बोला जाता है हिंदी में, रैखिक युग्म। और बताओ रैखिक युग्म का पेयर कोई? सर, 5 एंड एंगल 5 एंड एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 2, वेरी गुड। एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बताओ एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, वेरी गुड। एंगल 7 और एंगल 1, एंगल 7 एंड एंगल 1, वेरी गुड। और बोलो एंगल 5 एंड एंगल 5 एंड एंगल 2, हो गया एंगल 5 एंड एंगल 4, वेरी गुड। एंगल 5 एंड एंगल 4 ऐसा भी तो है, ये एंगल 7 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 8, वेरी गुड। सबको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? डाउट? तो आज बहुत ही बेसिक चीजों को हमने दिया लिया यहाँ पे, रिकैप कर देते हैं एक बार। आपको एंगल के बारे में बताया गया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बेसिक से लेके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद एंगल को कैसे बनाया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद ट्रायंगल को देखा, ट्रायंगल के सारे टाइप्स को देखा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। उसके बाद पैरेलल लाइंस को, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं, उनके सारे रिलेशंस के बारे में हमने सीखा यहाँ पे। जैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सारे चीजों को हमने देखा है, सीखा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो बोलिए।